दोस्तों इस वक्त की जो है सबसे बड़ी खबर आ रही है वो दोस्तों आ रही है मोहम्मद शामी को लेके। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे जो है एक खबर जो है बहुत ही ज्यादा हो चुकी है वायरल। वो दोस्तों खबर ये है कि श्रीलंका के खिलाफ जो है मोहम्मद शामी को आराम दिलाया था, वो दोस्तों दिलाया था बीजेपी पार्टी के वजह से। तो भाई ऐसा क्यों कहा, इसके दोस्तों पीछे जो है पाकिस्तान की मीडिया ने बहुत ही बड़ा सवाल उठाया है। कहा है कि जो मोहम्मद शामी है उनको जो है श्रीलंका के खिलाफ जो है वर्ल्ड कप मुकाबले में बीजेपी पार्टी की वजह से जो है आराम दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इस वर्ल्ड कप पे जो है कोई भी मुस्लिम खिलाड़ी आने वाले रिकॉर्ड्स को तोड़े। तो भाई ये माजरा क्या है, ऐसा जो है पाकिस्तान की मीडिया ने क्यों कहा, इस वीडियो में कम्प्लीटली सारी बातचीत करेंगे। तो आप जो है वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी याद से करके रख लीजिए। दोस्तों सबसे पहले जो है मैं आप सभी को इस मुद्दे की जड़ के ऊपर लेके जाऊंगा। हम सभी को पता है मोहम्मद शामी ने जो है बहुत ही अच्छा इस वर्ल्ड कप में खेल दिखाया है, 4 विकेट 5 विकेट हैट्रिक। तो इस वर्ल्ड कप में दोस्तों जो है कहीं से भी जो है मोहम्मद शामी को टीम से ड्रॉप या फिर रेस्ट करने की जो बात थी वो सामने दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों अचानक से जो है टीम इंडिया ने मोहम्मद शामी को श्रीलंका के खिलाफ जो वर्ल्ड कप का मुकाबला था उसके अंदर जो है आराम दे दिया। तो इसी बात को लेके जो है जो पूरा पाकिस्तान का मीडिया दोस्तों उसने कहा है कि इसके जो पीछे की वजह है वो है इंडिया में बीजेपी पार्टी। दोस्तों ऐसा जो उन्होंने कहा है कि जो अपनी बीजेपी पार्टी है वो दोस्तों नहीं चाहती है कि जो मोहम्मद शामी है वो दोस्तों इस वर्ल्ड कप में एक रिकॉर्ड को तोड़े जो कि एक मुस्लिम है। तो ये जो है पाकिस्तान ने बहुत ही भद्दा और बहुत ही गंदा आरोप लगाया है हमारे टीम इंडिया के ऊपर और बीजेपी पार्टी के ऊपर। दोस्तों आप सभी को बता दूं जो दोस्तों टीम इंडिया का मैनेजमेंट है दोस्तों उसने जो है कुछ सोच समझ के दोस्तों रणनीति बनाकर जो है मोहम्मद शामी को आराम दिया है। लेकिन इसी बात को जो है पाकिस्तान की मीडिया बहुत ही ज्यादा वायरल कर रही है और कह रही है कि वो जो है एक मुस्लिम है, ये दोस्तों कारण है कि मोहम्मद शामी को जो है श्रीलंका के मैच में आराम, ताकि वो जो है कोई रिकॉर्ड को तोड़ ना पाए। दोस्तों ये जो है बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि मोहम्मद शामी है हिंदू मुस्लिम क्या करना, जो मोहम्मद शामी वो फिलहाल जो है टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, वो जो है अपने देश भारत को जो है वर्ल्ड कप जैसे मंच पे कर रहे रिप्रेजेंट। लेकिन दोस्तों इस बात को लेकर जो है पूरे पाकिस्तान मीडिया जो है बहुत ही गलत गलत बातें कर रही है और जो बीजेपी पार्टी है उसके ऊपर जो है बहुत ही ज्यादा आरोप लगा रही है। लेकिन दोस्तों एक बात जो है हम सभी के लिए सोचने वाली है कि भाई आखिरकार मोहम्मद शामी ने 3 मुकाबले खेले, इतना अच्छा फॉर्म दिखाया, 4 मुकाबले खेले, लेकिन उसके बाद जो है मोहम्मद शामी को अचानक से जो है श्रीलंका के खिलाफ मैच से ड्रॉप क्यों किया गया, ये जो है बहुत ही बड़ा सवाल हम सभी के सामने आता है। तो दोस्तों आप सभी जो है इस मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हो बताओ नीचे कमेंट करके। आगे जो है आप सभी के लिए वीडियोस आती रहेगी, क्रिकेट की लाता रहूंगा, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।